Hello everyone, this is Shashi. Welcome back to my channel. Here I am documenting my journey as a homemaker. मेरा ये चैनल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग चैनल है जिसमें आपको होम मेकिंग से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मैनी मोर। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ संडे का मेरा फुल डे रूटीन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। सो वॉच द वीडियो टिल योर एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है ना, वीकडेज ना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होता है, क्योंकि आपको सभी काम टाइम पे कंप्लीट करनी होती है। तो मैं बहुत पंक्चुअल रहती हूँ अपने टाइमिंग को लेके, बट वीकेंड में थोड़ा सा लेज़ी होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि हम सारे वीकडेज में काम किए होते हैं, तो वीकेंड थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। तो कभी कभी ना ब्रेकफास्ट उतना कुछ फिक्स नहीं होता है, और कभी कभी तो बहुत स्पेशल होता है, और उसके डैडी इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट करना। तो मैं और ध्रुव लाइट से ब्रेकफास्ट कर लिए थे, और मैंने सोचा कि पहले मैं दाल राइस को और सारे जो तैयारियां होती है ना कुकिंग की वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके उसको सोख होने के लिए रख दिया, और आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सूखी वाली। तो इसके लिए भी अच्छे से मैंने गोभी को चेक किया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चेक किया, और चेक करने के बाद छोटे छोटे मैंने उसको कट कर लिए, और एक बोल में मैंने पानी भर के उसको सोख करने के लिए रख दिया नमक डालकर। तो ये ना बहुत इजी वे है कॉलीफ्लावर को क्लीन करने का, और अगर आप चाहो तो इसको उबाल भी सकते हो, बट मैं प्रिफर नहीं करती इसको उबालना। तो बस मैंने उस बोल में पानी लिया, उसमें गोभी को डाला और नमक डाला, इसको मैं सोक करके रख दूँगी। तो काफ़ी अच्छे से इसमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। उसके बाद मैंने राइस को भी सोख होने के लिए रख दिया है, और जो जो सब्जियां मुझे लगने वाली थी वो भी मैंने विनेगर वाटर में थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए रख दिया। तो होता क्या है ना, आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कुकिंग करने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग आप प्री प्रिपरेशन थोड़ा सा कर लो, कुकिंग आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो मैं तो यही प्रीफर करती हूँ, और साथ के साथ किचन की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में हमें इतना सारा काम ना करना पड़े। तो मेरा सब काम तो थोड़ा धीरे धीरे चलते ही रहता है। ये सब काम करने के बाद मैं चली गई थी शार लेने। शार लेके आई और थोड़ा सा मैं भगवान के सामने प्रेयर कर ली है। मेरी हैबिट है मॉर्निंग एंड इवनिंग मैं थोड़ा सा प्रेयर कर लेती हूँ, अपने जितना मुझे आता है वैसा। उसके बाद फिर एंटर हुई किचन में, क्योंकि बनाना था लंच। तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और साइड में दाल भी चढ़ा दिया है पकने के लिए। जब तक कढ़ाई गरम हो रही है, मैं यहाँ पर सब्जियों में मुझे जो जो चीज़ लगने वाली है वो मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अनियन को छोटे छोटे कट कर लिए हैं, साथ के साथ मैं गार्लिक भी कट कर लूँगी। तो मैं पीस के नहीं डालती हूँ सब्जियों में गार्लिक वगैरह। अगर छोले या पनीर या इस टाइप की कुछ ग्रेवी वाली, रिच ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ इसको कट करके डालना। तो वो मैंने किया, और साथ के साथ मैं पोटैटो को भी कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पर मैंने पोटैटो को मीडियम साइज़ में कट किया है। अब फिर मैं साथ के साथ जो स्पून वगैरह मैंने वॉश करके रखे थे, वो ड्राई हो गए थे, उसको भी मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी, और सरसों का तेल मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है इससे बनी हुई सब्ज़ियाँ। तो बस अच्छे से गर्म करना है धुआं उठने तक। जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाली राई, जीरा, और मैंने जो लहसुन कट किए थे वो। कुछ सेकेंड्स तक हमें स्प्लटर होने देना है, उसके बाद मैं इसमें डाली हींग, और हींग डालने के बाद और हमको थोड़ी देर के लिए चलाना है, फिर हमें इसमें पोटैटो ऐड कर देना है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें पहले प्याज नहीं डाला है। आप इसमें पहले पोटैटो को ऐड कीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए भूनिए। जब आलू में थोड़े थोड़े ब्राउन से स्पॉट्स आने लग जाए ना, तब आप इसमें अनियन को ऐड कीजिए, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मैं अभी अभी ये ट्राई की हूँ, और मुझे इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो
तो यहाँ पर मैंने प्याज डाला, उसके बाद मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढककर पकाई ताकि आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब ढक्कन हटाकर हमें इसमें गोभी ऐड करना है। तो गोभी को मैंने सॉल्ट वाटर से रिमूव करके नॉर्मल वाटर में अच्छे से वॉश कर दिया था और एक्स्ट्रा पानी को मैंने स्ट्रेन कर दिया था। गोभी डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है ताकि गोभी जो टाइट होती है ना वो सॉफ्ट हो जाए, और अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैंने गोभी को भी थोड़ी देर के लिए ढककर पकाया, और ज़्यादा देर आपको ढककर नहीं पकाना है, नहीं तो गोभी बहुत ज़्यादा गलने लग जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सूखी सब्जियों में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ही उसे ढका था और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखा था। अब मैं रिमूव कर लूँगी ढक्कन और फिर अच्छे से और चम्मच चलाऊँगी। इसी तरीके से आपको थोड़ी देर के लिए ढककर, थोड़ी देर के लिए खुले में अच्छे से पकाना है ताकि वो इक्वली पक जाए। अगर आप बहुत देर तक उसमें ढक देंगे ना तो बिल्कुल मशी हो जाएंगे सब्जियाँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसी बीच मैंने जो डिशवॉशर था उसको भी एम्प्टी किया, क्योंकि लंच करने के बाद जो बर्तन है उसको लगाने में आसानी होती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सूखी सब्जी बनाते हैं ना, कोई भी आलू गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, या फिर सूखी आलू की सब्जी, कुछ भी ऐसे सूखी सब्जी बनाते हैं तो टमेटो ऐड नहीं करते, बट हमारे यहाँ टमेटो ऐड करते हैं और इसी के साथ ही अच्छा लगता है हमें। तो मैंने रफली यहाँ पर टमेटो को चॉप कर लिया है, जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का टमेटो लिया था। साथ के साथ मैंने यहाँ पर सूखे मसाले भी ऐड करते हैं, जिसमें है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा किचन मसाला। थोड़ा थोड़ा मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूंगी। और मैंने धनिया भी चॉप कर लिया है अच्छे से वॉश करके। तो इसी स्टेज पर धनिया मैं ऐड करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्लेवर जो है ना ज़्यादा अच्छा आता है। सारी चीज़ों को ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और ढक दूंगी। यहाँ पर मैं इसको इमीजिएटली नहीं मिलाऊंगी। एक और टिप्स, तो फिर आप टमेटो को सॉफ्ट होने दीजिए, और जब थोड़ा सा टमेटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ढक्कन हटाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टमेटो और सारे मसाले को मिक्स करने के बाद मैंने एक दो मिनट के लिए फिर से ढक दिया था, और गैस का जो फ्लेम है ना उसको मैंने हाई रखा था। तो अच्छे से मैं यहाँ पर ढक्कन हटाकर और मिक्स कर लूँगी, और इसी तरीके से मैं इसको मिक्स करते जाऊँगी। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और साइड में मैंने राइस के लिए भी पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आलू गोभी की सब्जी है ना बन चुकी है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं गैस का फ्लेम है उसको ऑफ कर दूंगी। सब्जियों में हमने गरम मसाला डाला था और ढक दिया था ना, ढक्कन हटाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें और डिश आउट कर लें। तो दाल भी बन गया था। यहाँ पर कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो मैंने लिया है 3-4 कली लहसुन का, और मेरे पास फ्रेश करी लीव्स है। तो फ्रेश करी लीव्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका अरोमा, इसका टेस्ट, दाल के तड़के में तो बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने सेम कुकर को वॉश करके अच्छे से गर्म किया, और जब गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर ऐड किया घी। घी को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे राई, जीरा, इसको थोड़ा सा स्प्लिटर होने देंगे, और थोड़ा सा गार्लिक को भी ब्राउन होने देंगे, और फिर साथ के साथ मैं ऐड कर दी हूँ हींग। हींग तो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता ही है, साथ के साथ इसकी जो खुशबू आती है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर के लिए भून कर मैं डाली यहाँ पे करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और मैं मसालों में यहाँ पर सिर्फ रेड चिली पाउडर ली हूँ, और भी कुछ भी मैंने एडिशनल इसमें चिलीज वगैरह ऐड नहीं किए हैं। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। दाल ऐड करने के बाद मैं गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखी हूँ, और इसको एक उबाल आने दूंगी। आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो, और सॉल्ट भी चेक कर सकते हो, अगर आपको कम लगे तो ऐड कर सकते हो थोड़ा सा और सॉल्ट। तो जब तक दाल उबल रहे थे मैंने सैलेड कट कर लिया, और अपने प्यारे से छुटकू मिनी ब्लेंडर में बनाऊंगी छाछ। तो इसमें मैंने ऐड किया है दही, पानी, थोड़ा सा काला नमक, और मेरे पास फ्रेश मिंट लीव है, वो बस बटन आपको प्रेस करना है और ये अच्छे से आपका छाछ रेडी कर देगा। इतना ज़्यादा पोर्टेबल है और इजी टू यूज़ है, बस आपको चार्ज करते रहना है, यूज़ करते रहना है।
लास्ट में मैं दाल को फ्रेश कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लूँगी और छाछ को भी मैं एक ग्लास में पोर कर लूँगी। तो किसको किसको पसंद है इस टाइप के फैंसी ग्लास, मुझे तो काफ़ी पसंद है इसका कलेक्शन रखना। तो बस यहाँ पर हमारा संडे का लंच बनकर रेडी है। देन आफ्टर लंच मैंने किचन वगैरह को क्लीन किया, थोड़ा सा एडिटिंग का काम था वो किया, रेस्ट की, और फिर ये हो गया इवनिंग। और इवनिंग में ना यहाँ पर ठंडी बढ़ने लगी और मंडे टू सैटरडे यहाँ पर इतना ज़्यादा सनी डे, इतना क्लियर स्काई था, फिर से वेदर ग्लूमी होने लग गया है। तो जब सनी था ना तो मैं हर दिन कपड़े को एयर ड्राई करती थी, हर दिन वॉश करती थी, एयर ड्राई के लिए छोड़ देती थी और अच्छे से एक दिन में ड्राई हो जाता था। तो मैं धो के कपड़े को सुखाई थी, काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया था, ये मैं हटाई। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बेजिल, जिसको मैंने लगाया था, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है ये, और इसको कट करते रहो तो ज़्यादा अच्छे से बुशी ये ग्रो होता है। तो इसको मैं सूप्स वगैरह में ऐड कर दूँगी। और मैं रेडी हो गई थी थोड़ा सा शॉपिंग करने जाने के लिए, इसी बीच मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय बनाई। तो चाय में बस मैं ब्लैक टी बना रही हूँ जो उनका फेवरेट है, थोड़ा सा जिंजर, ब्लैक पेपर पाउडर, कार्डमम लिया, अच्छे से कूट लिया। आपको पानी में इसको अच्छे से उबालना है, देन आप शुगर, जैगरी, जो भी प्रेफर करते हो ऐड कर दो, और फिर चाय पत्ती। तो ये काढ़ा टाइप लगता है बट बेटर देन काढ़ा, काढ़ा थोड़ा सा कड़वा होता है, इसमें मैंने शुगर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है ना, तो बस ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये हमारे गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली इन विंटर। उसके बाद मैं रेडी हुई, शूज़ पहने, जैकेट्स वगैरह पहने, सिंस यहाँ पर बहुत ठंडी है बाहर, और निकल पड़ी अपनी शॉपिंग के लिए। तो अभी देख सकते हो 6 o'clock भी नहीं हुआ है और बाहर देखो जहाँ पर हम रहते हैं ना चाइना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी ठंडी है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है, 6 भी नहीं बचता, इतना अंधेरा हो जाता है, इवन 5:30 भी नहीं हुआ रहता, पूरा डार्क हो जाता है। तो बस आफ्टर एन आवर मैं आ गई शॉपिंग करके और यूनिक्लो गई थी मैं। शॉपिंग करके आई, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कुछ भी कुकिंग नहीं करना है डिनर के लिए। ये बहुत खुशी की बात होती है ना जब आपको किचन से थोड़ी छुट्टी मिल जाती है, बट छुट्टी कहाँ, काम तो रहता ही है। तो आज मेरा बेटा गया था प्लेडेट के लिए, उसको ही पिक करने के लिए मेरे हस्बैंड गए थे, तो उसके फ्रेंड की मम्मी ने ना पिज़्ज़ा भिजवा दिया, तो बस किचन से थी छुट्टी डिनर के लिए, बट आगे काम तो कंटिन्यू रहेगा। आज था संडे तो मंडे की तैयारी भी तो करनी थी, तो बस उसमें मैं लग गई, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद ना मंडे मॉर्निंग काफ़ी रश वाला मॉर्निंग रहता है, तो उससे बचने के लिए बस थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने पनीर बनाया, क्योंकि कल मुझे बनाना था पालक पनीर, तो फ्रेश मैंने पनीर बनाया, पालक को ब्लांच करके उसको मैंने अच्छे से पीस कर रखा, और फिर छोटे छोटे जो दही वगैरह जमाने थे, काफ़ी सारी तैयारियाँ मैं वीक के लिए कर लेती हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम सेव करने के लिए। तो अगर पनीर की आपको डिटेल रेसिपी देखना है ना, तो मैंने 2 व्लॉग के पहले वाले व्लॉग में शायद मैंने शेयर किया है। यहाँ पर पनीर बन गया था, इसको मैं कट कर लूँगी, आपको जिस भी साइज़ का कट करना है आप कट कर सकते हो, और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से और भी अच्छे से फॉर्म हो जाता है। तो बस वो मैंने किया, और ध्रुव के जो वाटर बॉटल थे, मेरे वाटर बॉटल थे, उसको मैंने यहाँ पर स्टरलाइज कर लिया है। आप कोई भी वाटर बॉटल यूज़ करें उसको प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसमें मैंने गर्म पानी डाला, थोड़ा थोड़ा विनेगर डाला और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद आपको इसको साफ़ पानी से वॉश कर लेना है, तो ये सेफ़ रहता है और हाइजीन भी मेंटेन रहता है इसका। साथ के साथ मैंने जितने भी लंच बॉक्स लगने वाले थे कल मॉर्निंग में, वो मैंने साइड में रखा डाइनिंग टेबल में, क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग का काफ़ी ज़्यादा काम आसान करता है। तो बस मैं वाटर बॉटल और जो भी मुझे दूसरे दिन कुकिंग करने के लिए यूटेंसिल्स
और जो टिफ़िन है वो मैं सब साइड में रख देती हूँ, ताकि जो सो रहे हैं उनका भी नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम बहुत जल्दी उठते हैं कुकिंग करने के लिए, तो ये खोजने में वो खोजने में काफ़ी आवाज़ आती है और डिस्टर्ब भी होती है नींद। सो फ्रेंड्स, ये मेरा होम मेकिंग का तरीका है। हो सकता है सबका तरीका है वो डिफरेंट होता है, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और कई लोगों को लगेगा कि यार मॉर्निंग में लंच बॉक्स को निकालना इस कितना ही टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी, कुछ अगर टाइम भी नहीं लगता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर आप छोटा सा हैबिट अपने डेली लाइफ में अडाप्ट कर लोगे तो। मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इडली डोसा के बैटर के लिए भी राइस और दाल भिगा कर रख दिए हैं। इसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। साथ के साथ दही भी मैं यहाँ पर जमाने के लिए रख दी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सोक कर लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा गुजरा मेरा संडे का दिन। काफ़ी सारे मैंने टिप्स भी शेयर किए आप लोग के साथ और सारा डे भी आप लोग के साथ शेयर किया है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।